it's out. Yes, it's all over this time. Lost his nerve in the end, and Michael Holland tried to score. तू 11 लोगों का कप्तान नहीं है, तू 100 करोड़ हिंदुस्तानियों का कप्तान है, समझ ले इस चीज को। और आज बीच में जाके ये तूने तय करना है कि मैच जीतने के बाद 100 करोड़ हिंदुस्तानी जो है वो खुशी खुशी प्यार से सोएंगे या मैच हारने के बाद रोते हुए। सर हमको क्रिकेट में बैटिंग ज्यादा अच्छा लगता है। पहले विकेट कीपिंग पे ध्यान दो तुम, समझा? खेल कूद अपनी जगह है, लेकिन पढ़ोगे लिखोगे तो किसी लायक बनोगे। वजह से 83 को देखने के लिए बेताब हो बैठे हैं फैंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोस। मैं अवैना सिन्हा आपके लिए लेकर आई हूँ 83 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। 1983 वर्ल्ड कप में भारत की विजय गाथा पर बनी मूवी 83 जल्दी सिनेमा घरों में आने वाली है। क्रिकेट फैंस के बीच इस मूवी को लेकर क्रेज अभी से बन गया है। दरअसल इस मूवी में 1983 विश्व कप में भारतीय टीम के वर्ल्ड विजेता बनने की कहानी को बयां किया गया है। वर्तमान समय के क्रिकेट फैंस उस विजय गाथा को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। फैन जल्द से जल्द 24 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं जब मूवी पर्दे पर प्रदर्शित होगी। पहली बात तो ये है कि मूवी 83 में कपिल देव का किरदार एक्टर रणवीर सिंह निभा रहे हैं। फैंस ये देखने को बेताब है कि एक्टर रणवीर विश्व विजेता कप्तान कपिल देव को कैसे पर्दे पर उतारते हैं। महान कपिल देव की गेंदबाजी, एक्शन और बल्लेबाजी में नटराज शॉट को खेलने में रणवीर न्याय कर पाएंगे या नहीं, इसे देखने को लेकर क्रिकेट फैंस मूवी के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमने मूवी से जुड़ी आधी से ज्यादा जानकारी दे दी है। खैर, अब आप बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। आप अपने ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन चट से मिल जाए। थैंक यू।